स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग स्टील के ग्रिल को फिटिंग करना दिखाएंगे। तो बहुत कोई सोचते हैं कि स्टील का ग्रिल को कैसे फिट करना है, बहुत कोई को नहीं पता है कैसे फिट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास खिड़की है, तो यहाँ पे हम लोग स्टील का ये जो ग्रिल बना है इसको हम लोग फिटिंग करेंगे, तो इसका प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, यहाँ पर हमारा 5 इंची 6 इंची का वाल है और यहाँ पर बाद में स्लाइडिंग फिट होगा। तो यहाँ पर हमको जगह रखना है स्लाइडिंग का, उसके बाद यहाँ से साइड से हमको ग्रिल का फिटिंग करना है। तो यहाँ से हमने मापी ले लिया है 3 इंची, नापी दिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 इंची पे यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। इसके बगल से हमने यहाँ पे हॉल करना है। पहले इस तरह करके हमने यहाँ पे 4 मार्किंग कर लिया है, 2 इस साइड और 2 इस साइड यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम लोग हॉल करेंगे, तो चलिए हॉल कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 3-4 का यहाँ पे हॉल वाला बीट लगा लिया है, देख सकते हैं। तो ग्राइंडर से हमने यहाँ पे हॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉल हो गया है, जैसा कि 3-4 हॉल हो गया है। डीप की बात करूँ तो 1 इंची से 1.5 इंची का डीप है। तो इधर भी हो गया है 2 इस साइड। अब हम लोग ग्रिल को, तो तब तक वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमने अभी यहाँ पे मार्किंग कर लेना है कि हॉल का कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 इंची का है, तो इस तरह करके हमने सारा ऐसे करके मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करके उसके बाद हम लोग ब्लॉक काटेंगे, तो चलिए काट लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वेल्डिंग हो गया है। तो हमने जो ब्लॉक काटी थी वो ब्लॉक को यहाँ पे डाल करके हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग होने के बाद ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा, और कोई भी दिक्कत नहीं होती है।